इधर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव गौतम ने गले में चप्पलों की माला पहनकर चुनाव प्रचार किया। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतदान के इस चरण के लिए नाम वापस लेने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और इसके बाद अलीगढ़ सीट पर 14 प्रत्याशी मैदान में है। और चप्पलों की माला पहनकर प्रचार करने वाले पंडित केशव देव गौतम भी उन प्रत्याशियों में एक। आरटीआई कार्यकर्ता पंडित केशव देव गौतम निर्दलीय प्रत्याशी हैं और चप्पल उनका चुनाव चिन्ह है और इसीलिए उन्होंने अपने गले में 7 चप्पलों की माला पहनी और लोगों से वोट मांगने निकल पड़े। प्रचार के लिए निकले पंडित केशव देव गौतम के साथ इक्का दुक्का लोग ही दिखे। इन लोगों में एक ने उनके नाम और चुनाव चिन्ह वाला बैनर पकड़ा और पंडित केशव देव गौतम के साथ साथ घूमा। आरटीआई कार्यकर्ता पंडित केशव देव गौतम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वादा करते हुए लोगों से वोट देने की अपील की। प्रचार का अनोखा अंदाज अपनाने वाले पंडित केशव देव गौतम दुकानों और सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से मिले। वैसे पंडित केशव देव गौतम का ये पहला चुनाव नहीं है, इससे पहले वो 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद वो इस बार भ्रष्टाचार की लड़ाई के नाम पर लोकसभा चुनाव के दंगल में उतर गए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और ऐसा माना जाता है कि अलीगढ़ के करीब 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता ही वहां जीत और हार का फैसला करते हैं। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी के बावजूद किसी पार्टी ने इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दी। यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने भी अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय का प्रत्याशी नहीं उतारा और बिजेंद्र सिंह को टिकट दी, जबकि बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस सीट पर सतीश कुमार गौतम पर दांव खेला और बीएसपी ने हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय को मैदान में उतारा। यानी तीनों बड़ी पार्टियों में किसी ने भी अलीगढ़ में मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव नहीं खेला।